अब हम चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की वो देख लेते हैं, क्योंकि हम टाइम टू टाइम एक एक टॉपिक में इन्हें कंप्लीट कर चुके हैं। ये मैक्सवेल्स इक्वेशन मैं फिर से बता दूं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, शाश्वत सत्य बोल सकते हैं जिसे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डिफरेंशियल फॉर्म में ये दोनों मैक्सवेल्स इक्वेशन देखी और सेम मैक्सवेल्स इक्वेशन हमने इंटीग्रल फॉर्म में देखी। सिमिलरली डिफरेंशियल फॉर्म की दो मैक्सवेल्स इक्वेशन स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की और सेम वही मैक्सवेल्स इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड की ये देखी। डाइवर्जेंस ऑफ डी रो वी जो होता है इज ऑलवेज इक्वल टू रो वी होता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन है। सेकेंड कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो है। और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंशियल फॉर्म की फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो होता है और कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे होता है। सिमिलरली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटीग्रल फॉर्म की मैक्सवेल्स इक्वेशन गॉसियस लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज सर्फेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू और वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन ऑफ रो वी डी वी होता है, या फिर क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो होता है। और ऐसे ही इंटीग्रल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सवेल्स इक्वेशन क्लोज सर्फेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो या क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई और क्लोज सर्फेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस एग्जिस्ट करता है। तो इनके डेरिवेशंस आप अलग अलग वीडियो से राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में चारों डेरिवेशंस या तो इन चारों का पूछा जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में या इंटीग्रल फॉर्म का डेरिवेशन एक साथ पूछा जाता है।